वो सुन लेगा तू धीरे। तुमने मुझे डरा दिया था। तुम क्या समझी थी कौन है? मैं समझी भूत है। तुम अंधेरे में भूत ही तो नजर आ रहे हो। मैं भूत हूं तो तुम चुड़ैल। हमारी दोस्ती कई अरसों तक जमी रहेगी, यू नो फॉर एवर। मत वरना शूट कर दूंगा। कौन है बे? ये सच मुझ के भूत है क्या सैंडी? ये भूत नहीं, ये तो बुड्ढा है। संभाल इसे। सैंडी गेट अप, छोड़ो। और इस छोकरी पर नजर रखना। ओके, मैं भी आया। लता है अपने सब एक बस यहाँ ही रखे हुए। मैडम ने यही सेट किया होता। कुछ पेपर के बंडल ऊपर भी रखे हैं। उन्हें भी देख लो। ठीक है, ऊपर वाले बाद में देखते हैं, पहले नीचे वाले तो देखे ना। ओके, ये मैं देखो। लेकिन ये बोला कौन? पता नहीं, हमें से कोई भी नहीं बोला। तो फिर ये आवाज किसकी है? मेरी आवाज। अच्छा, तुम्हारी कहाँ है? ओ चोर, मैं पुलिस, मैं तुम्हें पकड़ने आया हूँ। नहीं, मिस अंजलि नारंग, यस, यू आर अंडर अरेस्ट। चलो इन्हें पुलिस के हवाले करते हैं। हेलो जीवन सेठ, शिवराम बोल रहा हूँ। नमस्कार, कहिए आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ये तो आप मिलेंगे तभी बता पाऊंगा। हुक्म कीजिए, कब आऊं मिलने? आज शाम को, मैं घर पे आपका इंतजार करूंगा। आप प्रतीक्षा करना शुरू करें, उससे पहले मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद। जीवन सेठ, अखबारों में आप क्या खबरें छपवाते रहते हैं? कॉलेज की खबर छापने से पहले आपका एडिटर कम से कम मुझे फोन तो कर लिया करे ना। श्रीराम जी, आपको इन्फॉर्म करने से क्या होगा? आप अगर मना कर देंगे तो क्या मेरा एडिटर खबरें छापना बंद कर देगा? देखिए, कॉलेज और शिक्षण मंत्रालय को मद्देनजर रखते हुए आपको थोड़ा अंडर प्ले करना चाहिए, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये खबरें फ्रंट पेज पर छापने की बजाय अंदर के पन्नों पर भी छापी जा सकती हैं। 2 करोड़ के ड्रग्स बरामद हुए आपकी कॉलेज से, इतने जोरदार न्यूज में अंदर के पन्नों में कैसे छाप दूं? जबकि हर एक न्यूज पेपर उसे फ्रंट पेज न्यूज की महत्व दे रहा है। जीवन सेठ, दूसरे अखबारों की बात दूसरी है, आप तो हमारे अपने हैं। अगर आप ही हमारा ख्याल ही रखेंगे तो और कौन रखेगा? आप हमें अपना समझते हो, इसलिए एक नया पत्र आपके लिए लेके मैं आया हूं। आप अगर सुनेंगे तो हमारी अक्कल को दाद देंगे। पत्र? वो क्या?
आप क्या समझते हैं कि ड्रग्स का आपके कॉलेज से बरामद होना कोई बदनामी की चीज है? हम तो कहते हैं बैठे बिठाए आपके पास एक सुनहरा मौका आ गया, उसका पूरा लाभ लीजिए। सुनहरी मौका? वो कैसे? हाँ, ड्रग्स के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दीजिए, और वो भी एक बहुत बड़े पैमाने पर। सेमिनार्स कीजिए, इंटरव्यूज दीजिए, आम जनता के जहन में बात रजिस्टर हो जाना चाहिए कि स्टूडेंट्सों का भविष्य खतरे में है। शिवराम जी, आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? कुछ कुछ समझ रहा हूँ, आप कहते रहिए। शिवराम जी, इस मुहिम में आपको सरकार हर तरह से मदद करेगी, रुपये पैसे से और हर मुमकिन तरीके से। हर एक कॉलेज में आप जाके एक प्रोफेसर चुन लीजिए, ऐसा प्रोफेसर जिसको आप एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे सके। प्रोफेसर को कहिए कि स्टूडेंटों की हर हरकत पे निगाह रखे। प्रोफेसर ऐसा होना चाहिए कि जो स्टूडेंटों में लोकप्रिय हो। उसकी अच्छाई ही आपकी अच्छाई होगी शिवराम जी। वाह जीवन सेठ, पैंतरा अच्छा सोचा है तुमने। वही करना पड़ता है, रास्ते पुराने होते हैं, चाल हर बार नहीं चलेगी, और यही पैंतरे आपके इलेक्शन में भी काम आएंगे। तब तक आपकी पब्लिसिटी इतनी हो गई होगी कि हर एक स्टूडेंट के मुंह पे सिर्फ आपका नाम होगा। भाई स्टूडेंट है आपके वोटर्स, आज की युवा पीढ़ी, आपको स्टूडेंट्स की वोट तो मिलेगी ही, लेकिन उनके माँ बाप की वोट भी मिलेगी, जो अपने बच्चों को ड्रग्स के जहर से बचाना चाहते हैं। वाह जीवन सेठ वाह, इस मामले ने तो नई शक्ल तैयार कर ली। बस तो इस पे अमल शुरू कर दीजिए। हमारा दिमाग और आपके इरादे अगर दोनों एक हो गए तो दुनिया को अपने सांचे में ढालना कोई मुश्किल बात नहीं है। So I see, तुम वहां पेपर्स चोरी करने गई थी, क्यों? सर, अविनाश ने मुझसे शर्त लगाई थी, मुझे चैलेंज किया था कि मैं एग्जाम में फेल हो जाऊंगी, इसलिए मैंने सोचा कि एग्जाम के पेपर चोरी करके मैं पास हो जाऊंगी। पास हो जाओगी? हर दर्जे की बेवकूफ लड़की हो तुम, जानती हो अगर तुम वहां पकड़ी जाती तो क्या होता तुम्हारा? क्या होता सर? तुम्हें कॉलेज से निकाल देते। सर, मैंने तो उसे मना किया था, लेकिन चुप कर सर, इन्हीं लोगों ने इसका दिमाग खराब करके रखा है। लेकिन सर, हमने वहां चोरी की नहीं, चोरी करने से पहले अविनाश टपक गया। चलो शुक्र है खुदा का, एक बंदा तो बाकी है जिसमें अकल बाकी है, वरना तुम सब के सब। हाँ, और तुम लोग क्यों गए थे अंजलि के साथ? सर वो अंजलि ने कहा चलो, तो हम लोग चले गए सर। अच्छा, अंजलि कल कहेगी कुएं में कूद पड़ो तो कूद पड़ोगे, कहेगी पंखे से रस्सी लटका कर लटक जाओ तो लटक जाओगे, क्यों? सॉरी सर। अजी भिमाकत है तुम लोगों की। एंड सैंडी यू, तुम क्यों गए थे वहां? सर मैं? सर हाँ, तुम क्यों गए थे? सर वो रीटा से मिलने। सर रीटा कौन है? सर वो भारत कॉलेज में पढ़ती है। अच्छा, वेरी गुड। हाँ वेरी गुड, तो अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए एक नया ठिकाना मिल गया तुमको। फूल्स ऑल ऑफ यू ऑल, नाउ लिसन केयरफुली। वो तो अच्छा है कि इस बात का जिक्र मैंने कहीं किया नहीं, वरना प्रिंसिपल साइमन को अगर इस बात का पता चला तो तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाती। एंड सैंडी, एज फार एज यू आर कंसर्न, हेलो रश्मि। क्या हुआ, डिस्टर्ब कर दिया मैंने? मीटिंग चल रही थी क्या? नहीं मीटिंग नहीं, हाँ हाँ, मतलब ये मेरी स्टूडेंट्स है, मैं उनको कुछ समझा रहा था। समझा रहे थे या डांट रहे थे? इनके चेहरे तो देखो, हाय कितने उतरे हुए हैं। हसन तू मेरे डाटा वाटा मत करो यार, तुम्हें याद है हमें कितना बुरा लगता था अगर कोई कुछ कह दे कॉलेज में? डोंट फायर देम। रश्मि आई एम सैंडी। हाय सैंडी। आई एम गोपी। हाय हाय रुसी। आई एम कार्तिक। हाय अविनाश। आई एम मंजीना। अगर इंट्रोडक्शन हो गए हैं तो अपने चलें। मैं बाहर हुआ तो फिर बात करते हैं। फिर बात करते हैं? यार तुम्हारी बात अभी खत्म नहीं हुई, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो। एनीवेज आई डोंट माइंड वेटिंग, तुम अपनी बात कर लो, मुझे कोई एतराज नहीं। देखो यार, तुम्हें एतराज होना हो लेकिन मुझे है, प्लीज। मैं जरा बाहर हो आता हूँ, फिर अपने बात करते हैं। यस सर। आप चलेंगे प्लीज? बाय एवरीवन। सी यू टुमारो। गुड
समझे? नहीं समझे। अंजलि, लगता है ये सर की पुरानी फ्रेंड है, इससे तो पहले कभी देखा नहीं। आहा, ये सर की पुरानी फ्रेंड नहीं, पुरानी गर्लफ्रेंड लगती है मुझे। देखा नहीं कितनी घुलमिल के बातें करती सर से, लेकिन है बड़ी स्वीट ना। शी इज वेरी वेरी स्वीट। वो आ गई इसलिए मेरी जान बच गई, वरना सर तो मेरी। लेकिन सैंडी, हाँ? तू तो बच गया लेकिन सर तो गए काम से। ए, सर के बारे में हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। हाँ? हाँ? पहले बोलती है और फिर डांटती है। चुप। अजी बेवकूफ लड़की हो यार, स्टूडेंट्स के सामने कोई इतना बेतकल्लुफ होता है क्या? तुम तो आते ही न जाने क्या अनशन बोलने लग जाती हो। अपने इम्प्रेशन बनाए रखना चाहते थे लेकिन बहुत धौस जमाते हो तुम सब पर। हसन, इट्स रियली नॉट फेयर। अपने कॉलेज के दिनों का बदला तुम उनसे क्यों ले रहे हो? ओह कम ऑन रश्मि, क्या बिना सिर पैर की बातें करती हो? एनीवे, आप यहाँ क्यों आ धमकी है? 2 करोड़ के ड्रग्स जो आपकी कॉलेज में पकड़े गए उनकी खुशबू सूंघते सूंघते यहाँ तक पहुँची हूँ। हसन, मैं उन स्टूडेंट्स का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ जो उस वक्त वहाँ मौजूद थे। आई सी, एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, ये वही स्टूडेंट्स हैं जिनसे मैं अभी बात कर रहा था। ये वही थे? Yes. हसन चलो ना प्लीज, मुझे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज। रश्मि, रश्मि, देखो तुम उन्हें इन्वॉल्व मत करना प्लीज। क्यों? यार दे आर वेरी किडिश, पता है? उनमें से एक लड़की वहाँ पेपर्स लीक करने गई और एक लड़का गेस व्हाट? क्या? नहीं गेस, अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने गया। ओह स्वीट, ओह वेरी क्यूट, वेरी रोमांटिक। अरे ये तो बड़ी दिलचस्प स्टोरी का मसाला हुआ, छाप दूं? बेवकूफ, फंसेंगे सबके सब, सो प्लीज लीव देम ऑल अलोन। ओके, आई लीव देम ऑल अलोन एंड कैच होल्ड ऑफ यू। What? तुम इंटरव्यू दे दो ना, तुम भी तो वहाँ मौजूद थे। In fact, तुम्हें ने तो ड्रग पेडलर्स को पकड़वाया था, बता दो ना। हसन, प्लीज बता दो ना। सॉरी रश्मि, रॉन्ग नंबर अगेन। अगर मुझे तुम्हें इंटरव्यू देना है तो मुझे कॉलेज अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़ेगी। अरे छापूंगी थोड़ी ना, नहीं छापूंगी, आई प्रॉमिस। सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज के लिए बता दो प्लीज। यू थिंक आई कैन ट्रस्ट यू? वो भी आप जैसी जर्नलिस्ट को? नेवर। लो, बस अब अपने दोस्त पर भरोसा भी नहीं रहा। दोस्त पर तो पूरा भरोसा है, मगर दोस्त जिस प्रोफेशन में है उस पर नहीं है। वो क्या है कि मैं कहूंगा इतना, आप छापेंगी इतना और अपनी छुट्टी। गुड ना, देन यू कैन जॉइन मी। फिर हम दोनों थैला लेकर घूमेंगे, भटकेंगे खबरों की तलाश में। अरे खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो, क्या ख्याल है? अच्छा है, ख्याल बहुत अच्छा है। अब आप चलिए। मैं जाऊं? जी। क्यों? क्योंकि मुझे मेरे स्टूडेंट्स यानी आपके गवाहों से मिलना है। आला वर्ज़ है। A very hard nut to crack, aren't you? Bye. दरवाजा खोलो, मैं इंस्पेक्शन के लिए आऊं। खोलो। कमिश्नर साहब की गाड़ी? कमिश्नर साहब की गाड़ी बाहर खड़ी है, कहाँ है वो? साहब अंदर गए हैं इंस्पेक्शन के लिए। गुड मॉर्निंग मिस्टर गुप्ता, आज आप ड्यूटी पर हैं यहाँ? यस सर, लेकिन आप यहाँ कैसे? कुछ नहीं, देखने के लिए आया था कि आप लोग अपनी ड्यूटी बराबर कर रहे हैं या नहीं। ड्रग्स का मामला है, one has to be very careful. Yes sir, we are very careful. Good. Excuse me sir. क्या हुआ? ये आपके ब्रीफकेस का लॉक खुला हुआ है। Oh, thank you. Good day. Take care. अंदर है, आइए। बहुत मोटी समझ है तुम्हारी,
बादाम रोगन की मालिश करो अपनी खोपड़ी पर। गणेश भाई ये रही आपकी अमानत। पूरे 2 करोड़ का माल उसके असली मालिक तक पहुंचा लाया मैं। ब्रीफकेस लेकर बाहर निकला, कलेजा मुंह को आ गया। नारकोटिक सेल्स का असिस्टेंट कमिश्नर गुप्ता मेरे निकलने से पहले वहां आ। अच्छा हुआ उसे शक नहीं हुआ, वरना इस समय इस माल के साथ साथ मैं भी हवालात में बंद होता। ये तो कहीं संभाल कर देना। गणेश भाई आप तो कहते थे कि आप ये ड्रग्स का धंधा नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या है? जगन्या तुम जाओ यहाँ से, हम बाद में बात करूंगा तुमसे। लेकिन गणेश भाई आपने तो जीवन सेठ को भी मना कर दिया था और अब वही चीज। कम सुनाई देता है क्या तुमको? जब हम बोलता हूँ जाओ तो फिर जाते क्यों नहीं? बस यहाँ रखो और जाओ यहाँ से। ठीक है गणेश भाई जाता हूँ। गणेश भाई ये क्या? मैंने तो समझा था कि इतना कीमती सामान देखकर आप खुशी तो उछल पड़ेंगे, लेकिन आप तो एकदम आग बबूला हो गए। बारूद का ढेर यहाँ आके धर दिया और पूछते हो कि धमाका क्यों हुआ? क्या ही माफ कर दिए? किसी तीसरे आदमी के सामने बक्सा खोलने की जरूरत क्या पड़ी थी आपको? तीसरा आदमी? लेकिन गणेश भाई मैं तो इसे आपका अपना आदमी समझता था। आपने तो कहा था कि ये वही देखता है जो उसे देखना चाहिए, वही सुनता है जो उसे सुनना चाहिए। ओहो, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं अपने धंधे का पूरा चिट्ठा किसी के सामने खोल कर बैठ जाऊंगा। हम मान लो जमीना हमारा दायां हाथ है, लेकिन ये बहुत डेंजर धंधा है। इसमें बायां हाथ क्या करता है, दायां हाथ को कभी खबर नहीं होनी चाहिए। करोड़ों रुपया लगा हुआ है, किसी की नीयत बदलते देर लगती है क्या? फिर तो वाकई मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। सिर्फ यही नहीं, एक और भारी भूल कर बैठे आप। वो क्या? अरे हम ट्रक का धंधा करता जरूर हूं, लेकिन बहुत एहतियात के साथ। रुपया इस घर में आता है, रुपया इस घर से जाता है, लेकिन आज तक हम कभी ड्रग को हाथ नहीं लगाया हूं और ना ही किसी को इजाजत दिया हूं कि इस चौखट के अंदर इसे लेके आए। आप पहले आदमी हैं जिसने इस मनुष्य को यहां लाकर इस घर की पवित्रता को भ्रष्ट किया है। गणेश भाई अजीब आदमी आप, वाकई आपको समझ पाना बड़ा मुश्किल। हर बार आपकी शख्सियत का एक नया पहलू सामने आ जाता। प्रशंसा कर रहे हैं आप हमारी या ठट्ठा उड़ा रहे हैं हमारा? गणेश भाई मेरी क्या जरूरत है आपके साथ ठट्ठा मजाक करने। तारीफ कर रहा हूं आपकी खूबियों। हमारी खूबियों की तारीफ करने में अपना वक्त मत जाया करो, उन्हें अपनाने की कोशिश करो, समझे? हमारी वफादारी, हमारी ईमानदारी पर शक किया है गणेश बिहारी ने। भगवान कसम इस बात का हमें इतना दुख है कि हम उसको आपके सामने बयां तक नहीं कर सकते। तुम्हारी शक्ल से दिख रहा है वाकई में तुम जगन बहुत दुखी हो, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती। कौन सी बात? गणेश भाई खुद ड्रग्स का धंधा करते हैं, तो मुझे इनकार करने की उनकी वजह क्या हो सकती है? इसके 2 कारण हो सकते हैं जीवन सेठ। पहला तो ये कि उन्हें आप पर विश्वास नहीं, और दूसरा ये कि इस धंधे में रहने के बावजूद भी वो दुनिया वालों के सामने ये दिखावा करना चाहते हैं कि वो ये धंधा नहीं करते। बच्चों जैसी बात करते हो जगन्नाथ त्रिपाठी, बहुत पहुंची हुई चीज है वो जिसका नाम गणेश बिहारी है। एक और बात, इसे उठाओ यहां से और इसकी सही मंजिल तक पहुंचा दो, तुम्हारा कमीशन कल शाम तक तुम्हारे घर पहुंच जाएगा। शुक्रिया गणेश भाई।